नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में जुट चुके हैं। सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन इसी बीच एक और चीज देखने को मिल रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होना। एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। उनके मंत्री विधायक बगावत पर उतर चुके हैं, कई कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ही टिकट लेने की गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है और सरकार को चुनौती भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो सरकार के खिलाफ ही वो देखे जाएंगे। दरअसल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी से नाराज बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट जारी करने के लिए शनिवार तक अल्टीमेट अपनी ही सरकार को दिया है। अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। पार्टी 224 में से 213 नामों की घोषणा कर चुकी है और 11 नामों की घोषणा करना अभी भी बाकी है। लेकिन इसी बीच वहां पर जगदीश शेट्टार ने अल्टीमेट दे दिया है कि जल्दी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाए। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने को लेकर जगदीश शेट्टार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने समर्थकों से बात करने के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक वो बीजेपी के नेताओं से मिले हैं तो उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली है। उन्हें अभी तक उम्मीद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन उम्मीदों पर खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। टिकट की बात पहले की गई थी कि जगदीश शेट्टार को टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसके विरोध में यही जगदीश देखे गए थे। लेकिन फिर बीच में ये कयास शुरू हो चुके थे कि जल्द ही उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर खबरें फिर से शुरू हो चुकी है कि जगदीश शेट्टार अपनी ही पार्टी से खफा दिखाते हुए यहाँ पर उन्हें ही अल्टीमेट देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर शेट्टार यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि शेट्टार ने आगे कहा कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पार्टी ने उनका अपमान किया है, उनसे पहले फैसला लेने के लिए और पार्टी के साथ खड़े होने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी लिस्ट की घोषणा नहीं करती है और उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो उनके खिलाफ ही देखे जाएंगे। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।